BitTorrent, one of the most active community on social sites. अगर हम बात करें BitTorrent का Twitter handle का, तो हमेशा हर एक move का उनका आपको update मिलता रहेगा उनका Twitter पे. Twitter पे हर एक चीज जो करते हैं, हर एक चीजों पे जब अपडेट होता है वो तो देता ही रहता है, हर एक मतलब लिस्टिंग का अपडेट तो होता ही रहता है. साथ ही साथ उनका हर एक जो यूजर्स का इंक्रीमेंट, उनका BTFS का कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स का इंक्रीमेंट, सभी कुछ चीजों का वो अपडेट देते रहते हैं. बहुत ही ज्यादा एक्टिव तरीके से ये सोशल साइट्स पे काम करते हैं. ये BitTorrent का एक बहुत ही बड़ा ब्राइट फ्यूचर जो है वो दर्शाता है. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, काफी कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टिंग हुआ है इसका, दो इंपॉर्टेंट लिस्टिंग हुआ है और काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है BitTorrent का, उन सभी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत ये जानने का कोशिश करेंगे कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है. हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो केबल. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे. तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए कंप्लीट देखिएगा भाई. आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हो इसीलिए आधा अधूरा नॉलेज आप लोगों को मिलता है. प्लीज कंप्लीट देखिएगा. और मैंने कभी आज तक वीडियोस में लाइक का टारगेट नहीं रखा है, लेकिन इस वीडियो में लाइक का 150 टारगेट मैं रख रहा हूँ. 150 लाइक चाहिए. मैं आप लोगों से इन रिटर्न कुछ चीज़ें नहीं मांगता हूँ, लेकिन लाइक प्लीज लाइक करके जाना. लाइक में कंजूसी मत करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना. तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं. दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल. जैसे कि मैंने बताया, ट्विटर पे ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. ट्विटर पे उनका एक्टिवली जो वीकली अपडेट है वो देते रहते हैं. पूरा वीकली बेसिस पे वो एक रेडिट पे अपना जो है डेटा को बना के उसको ट्विटर पे अपलोड करते रहते हैं. तो सभी कुछ चीज़ें करते हैं. आज चलिए हम बात करेंगे इसका नया क्या अपडेट आया है उनका ऊपर बेस करके और फ्यूचर क्या होगा. तो चलिए इसके बारे में सीधा बात करते हैं पीसी का स्क्रीन पे जाके. आज अगर हम BitTorrent का प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 0.5% का इंक्रीमेंट अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब है. अगर हम इसका पॉइंट के बाद कितना जीरो है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 6.0 है BitTorrent का पॉइंट के बाद, फिर 9.8 है. मतलब ये एक जीरो किल करता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर किल करता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है. मतलब अगर हम एक थोड़ा पॉजिटिवली बात करें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5.0 है, 1.0 ऑलमोस्ट किल करने वाला है ये कॉइन. तो सबसे पहला अपडेट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं द टोटल BTT रेवेन्यू ऑन BTFS. BTFS मतलब BitTorrent फाइल सिस्टम. तो BitTorrent फाइल सिस्टम पे उनका जो रेवेन्यू है वो एक्सेड हो गया है 15,400 बिलियन से. ये काफी एक बढ़िया चीज है BitTorrent के लिए, काफी एक बढ़िया चीज है BitTorrent का होल्डर्स के लिए, क्योंकि इनका रेवेन्यू जो है वो एक्सेड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें इसका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो BTFS पे कितना यूजर्स के साथ हुआ है, तो इनका यूजर्स यूज केसेस जो कर रहे हैं, जो यूजर्स प्रेजेंट है, तो वो है 2 बिलियन BitTorrent यूजर्स. मतलब एक बहुत ही तगड़ा ये चीज नंबर है निकाल करके आया है. अगर हम नीचे ऊपर जाते हैं तो ऊपर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिस्टिंग है जो कि बाइकोनॉमी ग्लोबल पे इनका लिस्टिंग हुआ है. जैसे मैंने बताया था पहले कि इनका दो लिस्टिंग हुआ है, वो दो लिस्टिंग यहां पे देख सकते हैं. बाइकोनॉमी ग्लोबल पे एक लिस्टिंग हुआ है और ऊपर जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इनका जो और भी इंपॉर्टेंट मैं दिखाता हूं. यहां पे ट्रोन एड्रेसेस एक्टिवेटेड ऑन BitTorrent, स्पीड एक्सीडेड 39 लाख. ये भी एक काफी बढ़िया नंबर है. BitTorrent स्पीड एम्स टू इंसेंटिवाइज मोर यूजर्स टू सीड एंड शेयर बैंडविड्थ with BTT, so as to deliver a superior download experience. ये download experience का download speed का बात चल रहा है यहाँ पे. download speed जो है वो इतना तगड़ा तरीके से ये increase कर रहे हैं. अगर आपको BitTorrent का use case नहीं पता है ना, तो सबसे पहले use case सुन लीजिए. BitTorrent P2P file sharing में मदद करता है और P2P file sharing में मदद कोई भी third party जो है इस पे बीच पे नहीं घुसता है. इसीलिए अगर आप कोई भी BitTorrent अगर आप कोई चीज फाइल किसी दूसरे को भेज रहे हैं या वो फाइल आप चाहते हैं बहुत ही जल्दी आपको डाउनलोड करना है, तो वहां पे आप थोड़ा BitTorrent देखे मतलब BitTorrent coin देखे अब वो फाइल को बहुत ही जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये है BitCoin का यूज केस. तो इसीलिए यहां पे बताया गया है यूज केस जो उनका स्पीड जो है यहां पे एक्सटेंड हुआ है 39 लाख से और 39 लाख से उनका ये एम कर रहे हैं ये और भी ज्यादा बैंडविड्थ के साथ अटैच करके ये जो है अपना स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज करे. तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही बढ़िया मैसिव चीज जो है वो बन के निकल सकता है. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसका फायदा क्या-क्या होने वाला है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर जाके तो और एक लिस्टिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं. BTT जो है वो कैरेकिन पे लिस्ट हो गया है. वो यूरो का डॉलर यूरोप का पेयर में आपको यहाँ पे कैरेकिन में मिल जाएगा जाके कैरेकिन में. तो ये सबसे बड़ा दो मतलब इनका लिस्टिंग हुआ है बाइकोनॉमी पे और कैरेकिन पे. तो ये दोनों लिस्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट था इसी बेयर मार्केट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है BTFS के साथ BitTorrent फाइल सिस्टम के साथ वो 78 मिलियन से इनका इंक्रीज हो चुका है. ये एक काफी बढ़िया चीज है.
काफ़ी बढ़िया का मतलब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज होगा तभी उनका डेटा जो है वो डेटा नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। इसी के साथ क्या होगा, यूजर्स अट्रैक्ट होंगे इसके साथ। अगर हम ऊपर जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी दिखाना है, उनका जो मतलब V2.0 का मिनट जो है वो लाइव हो चुका है। इसके लिए काफ़ी सारे लोग जो है वो वेट कर रहे थे। अभी अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट अपडेट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका कॉइन मार्केट लीक पे इस हफ्ते भी ये मोस्ट वोटेड पॉपुलर स्टोरेज का रैंकिंग पर टॉप रहा BitTorrent। ये काफी एक सही न्यूज है, हमेशा हर वीक पे ये टॉप आ रहा है, जितना भी अभी तक वोटिंग हुआ है उन सभी में ये टॉप रहा है BitTorrent। ऊपर जाते हैं तो इनका कैरेकन का और एक लिस्टिंग का मतलब लिस्टिंग का अपडेट ही यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ और चीज नहीं है, यहाँ पे टेस्टनेट जो है उनका लॉन्च हो चुका है, मिननेट जो है वो टेस्टिंग पे है, ये इन्होंने अपडेट है। और अगर हम इसका फॉलोअर्स के बारे में बात करें, इसका भी बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6,59,000 यहाँ पे उनका फॉलोअर्स जो है ट्विटर का फॉलोअर वो इंक्रीज हो चुके हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, अगर ट्विटर का फॉलोअर इंक्रीज होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इसका कम्युनिटी जो है, इसका कम्युनिटी का सभी कुछ चीज़ें जो है वो दर्शाता है। BitTorrent का अगर हम बात करें यहाँ पे BitTorrent का वीकली रिपोर्ट का, तो वीकली रिपोर्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो ओल्ड BTT है, हम सब बर्निंग के बारे में बात करते हैं ना, कि उसका ओल्ड BTT जो था जब माइग्रेट होने का पहले, उसको पहले बर्न करेंगे फिर बाद में बर्न करेंगे दूसरा जो नया BTT है उसको, तो ओल्ड BTT जो है 60.1% ऑफ 990 BTT ओल्ड हैज बीन बर्न। तो बर्निंग का ये अपडेट है, और बर्निंग का अभी कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, उम्मीद है अगले हफ्ते जो है हमको और थोड़ा बर्निंग का अपडेट जो है देखने को मिल सकता है। तो अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करके अगर हम बात करें इसका प्राइस कितना इंक्रीज होगा, देखिए बर्निंग जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा स्लो हो रहा है अभी बर्निंग, मुझे अभी तक मतलब ये 60.2% बर्निंग हो जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी स्लो हो रहा है कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों। अगर ऐसा स्लो होता रहा तो इसका एक रुपये तक पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 24-25 तक नहीं पहुँच पाएगा, 30 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए, लेकिन अगर मेटावर्स का जो है अगर वायरलिटी पूरा वर्ल्ड में बन गया, अगर हम बात करें Web3 का डेवलपमेंट अगर पूरा वर्ल्ड में बन गया, तो ये बहुत ही जल्दी जाएगा। 24 का जब बिगिनिंग होगा तभी शायद जा सकता है, लेकिन अगर हमको मेटावर्स में थोड़ा मतलब देरी लगा, या अगर हम Web3 का डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे रह गए, जैसे अभी तक हमारा मतलब अगर गवर्नमेंट जो चीज़ें कर रहा है, ब्लॉक कर देना, ये कर देना, वो कर देना, अगर इस हिसाब से चलता रहा तो हमको Web3 में थोड़ा डिले देखने को मिलेगा, और अगर डिले देखने को मिलेगा तो BitTorrent का प्राइस में भी हमको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इनका अपडेट और सभी कुछ एक्टिवनेस अगर ऐसा बना रहा मार्केट पे, सभी कुछ चीजें ऐसा चलता रहा, तो हमको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है BitTorrent देगा, बहुत एक तगड़ा रिटर्न जो है वो BitTorrent बना के देगा 24 का पहले पहले। अगर एक रुपए नहीं भी जाता है तब भी ये एक पैसे का आसपास तो डेफिनेटली जा सकेगा, 2 या 3 0 तो किल कर सकेगा आने वाले टाइम में। लेकिन अगर कोई बड़ा कंपनी जो है, एक ही कंपनी सही, लेकिन अपफ्रंट निकल करके उसको आके बोलना चाहिए कि हां मैं BitTorrent का जो कंप्लीट प्रोटोकॉल है उसको एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कंपनी जो है कंप्लीट एक्टिवली यूज़ कर रहा है, अगर आप फ्रंट निकल करके ये बात बोलते हैं तो BitTorrent का एक रुपये क्या उससे भी ऊपर जा सकता है प्राइस। तो ये क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी चीज़ें पॉसिबल है, वायरलिटी होना चाहिए, ये यूज़ केस होना चाहिए। कोई भी बड़ा कंपनी अगर एक्टिवली इसको अपफ्रंट से बोलता है तो इसका प्राइस जो है हमको काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगा। तो Web3 का कब तक डेवलपमेंट होगा, क्या चीज़ें होगा, गवर्नमेंट का सभी कुछ चीज़ें रेगुलेशन जो है वो स्मूथली चलता है, तो 24-25 तक हमको इसका प्राइस जो है 1 रुपये जाने को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा डिले हुआ, कुछ भी चीज़ हुआ, तो इसको थोड़ा और लॉन्ग टर्म तक उसको डिले कर देगा, 26-30 के आसपास लेके चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट्स पसंद आ गया, जो चीज़ें मैंने मतलब एक छोटा सा बोलने का कोशिश किया इसका प्राइस के बारे में। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइए, मैं क्लेरिफाई करने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो चलिए इसके साथ करते हैं अभी का एक वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू। Rage on that beat, going crazy.